गट्टू चिंकी का ननिहाल। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी दिन भर सोसाइटी के बच्चों के साथ खेल कूद करते थे। एक शाम दोनों बाहर से खेल कर हॉल के अंदर आए। हॉल में मम्मी काफी खुश होकर पापा से बातें कर रही थी। मम्मी क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया है, कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी आसमान छू गई। ये चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं, नाना नानी के गांव जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह जल्दी ट्रेन का सफर करते हुए गट्टू चिंकी मम्मी पापा और काफी सारे सामान के साथ नाना नानी के गाँव निकल पड़े। गट्टू चिंकी का ननिहाल काफी खूबसूरत और छोटा सा गांव था, जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे। नाना नानी का घर भी काफी खूबसूरत और मजेदार था। गट्टू चिंकी जैसे ही नाना नानी के घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए मामा मामी, नाना नानी और मौसा मौसी तैयार खड़े थे। सब लोग गट्टू चिंकी को अपने पास बुलाना चाहते थे। गट्टू चिंकी आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें इमली खिलाऊंगी। हाँ बेटा आ जाओ, हम खेत जाएंगे। मौसा जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झूला तैयार किया है, यहाँ आओ, मौसा जी तुम्हें झूला झुलाएंगे। आओ बेटा हम झूला झूलेंगे। इस प्रकार सारे लोग प्यारे प्यारे गट्टू चिंकी को पास बुलाकर प्यार करना चाहते थे, लेकिन गट्टू चिंकी किसी के पास नहीं गए। वो सीधा अपने नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर मुंह हाथ धोकर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर आराम की और फिर दोनों अपने ननिहाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए। ये लो तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का पन्ना बनाया है, इसे जल्दी से पी लो, गर्मी से राहत मिलेगी। मामी जी इमली का पन्ना क्या होता है? इमली का पन्ना यानी इमली का शरबत, जैसे नींबू का या आंवले का शरबत होता है ना, ठीक वैसे ही ये इमली का शरबत होता है, इसे गर्मियों में पिया जाता है। मामी की बनाई हुई इमली का पन्ना पीकर तो गट्टू चिंकी एकदम तरोताजा हो गए। मौसी जी ने आम के पेड़ पर बड़ा सा झूला टंगाया था। गट्टू चिंकी झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लगे। मौसा जी ने आम की कच्ची कैरिया पेड़ से उतारी और मौसी ने मिर्च मसाला लगाकर गट्टू चिंकी के सामने रख दी। कैरिया देखकर गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ गया और देखते देखते उन्होंने सारी कैरिया चट कर दी। 4:30 बजे धूप कम हुई तो गट्टू चिंकी मामा जी के साथ खेत की तरफ निकल पड़े। खेत काफी हरा भरा और प्रसन्न था। गाय बैल और भैंस बछड़े दोनों को टुकुर टुकुर देख रहे थे। मामा जी के साथ साथ गट्टू चिंकी ने सारे जानवरों को घास डाली और बछड़े के साथ खूब मस्ती की और सेल्फी भी निकाली। बाद में मामा जी ने गाय और भैंसों का दूध निकाला और ताजा ताजा दूध गट्टू चिंकी को पिलाया। वाह मामा जी मजा आ गया। शाम होते होते गट्टू चिंकी मामा जी के साथ घर चले आए और नाना जी के साथ वक्त बिताने लगे। चलो गट्टू चिंकी मैं तुम लोगों को गांव घुमा लाता हूँ और अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। फिर शाम के समय गट्टू चिंकी नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े और नाना जी के दोस्तों से भी मिले। अरे राम राव, ये मेरे नाती हैं, शहर से आए हैं। नमस्ते, हाय, कैसे हैं आप सब? इस प्रकार गट्टू चिंकी ने कुछ देर बातें की, फिर गांव के बच्चों के साथ खेल कूद की और रात हो गई। फिर गट्टू चिंकी नाना जी के साथ रात के खाने के लिए घर लौट आए। बच्चों तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है मामी और मैंने मिलकर। नानी जी मैं आपके हाथ से खाऊंगा, नानी मुझे भी खिलाओ ना। ये सुनकर नानी जी हंसने लगी। ठीक है ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथ से खिलाती हूँ। फिर क्या, गट्टू चिंकी ने नानी के हाथ से पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और अचानक गट्टू चिंकी को गर्मी महसूस होने लगी। नानी जी घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है, पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है, आपके घर में एसी भी नहीं है, हमें तो एसी की आदत है, अब तो हमें रात भर नींद ही नहीं आएगी। ये सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। यह देखकर
गट्टू चिंकी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? ना बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा गांव है हमारा, हमारे पास एसी कैसे आएगा? लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी है जो तुम्हारे शहर में किसी के पास नहीं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। ऐसा कौन सा एसी है आपके पास? कुदरत का एसी। गांव में कुदरत की दया से काफी सारे पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसकी वजह से रात भर ठंडी हवा बहती है। हम घर के अंदर नहीं, ऊपर छत पर खुले आसमान में सोएंगे और कुदरती एसी का मजा लेंगे। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी एकदम से झूम उठे। फिर मामा जी और मामी जी ने मिलकर छत पर गद्दे बिछाए और सब सेट हो गया। नानी, मैं आपके पास सोऊंगी और मैं भी। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ। आओ सो जाओ। फिर क्या, खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में गट्टू चिंकी नानी के पास सो गए और नानी से कहानियां सुनते सुनते दोनों को मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद आ गई। फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना, घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल रोटी सब्जी चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता ना करो, मॉल में दोनों ने दो दो बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है। वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन ना लो खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई। गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या, टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था, बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगे। गट्टू चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था, बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी के रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है, इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है, केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है,
फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया, पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था। घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी। ये तो बस आलू के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ। तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ, रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने पेट भर पराठे खाए। दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।